watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drift into places I should leave. So close to the edge. Hey everybody, welcome back to my channel. This is Varkha here, aur aaj hum review karne wale hain ye NYB ka liquid foundation. और ये हमने अभी एक बार यूज़ किया है और ये यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है. तो ये आज इसका फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो भी है. और अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये पूरा एक वन ब्रांड ट्यूटोरियल मेकअप है. एन वाई बेस से हमने ये पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा. और आज हम रिव्यू देने वाले हैं इस फाउंडेशन को. तो इसे अभी हमने एक बार अप्लाई किया है और इसे अप्लाई किए हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं. तो आई थिंक इसका रिव्यू आना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत बहुत बजट फ्रेंडली है. और इसका MRP और सेल प्राइस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. और ये हमको फ्री मिला था, सेल चल रही थी purple.com पे, तो उस वहाँ पे हमने शॉपिंग की थी. तो वो बाय वन गेट वन फ्री सेल थी, और वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो हॉल वीडियो. उसमें हमने एक प्रोडक्ट लिया था NYB का, तो हमको ये दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिला था. इसकी MRP आई थिंक 149 rupees है, और ये हमें फ्री मिला है सेल में. और सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की जल्दी से बात कर लेते हैं. ये रेगुलर NYB की जैसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग होती है उसमें आता है, ऐसी वाइट कलर की, और ब्रांडिंग वगैरह है. और ये लिक्विड फाउंडेशन है, और इसका शेड है शेड नंबर 8 मैकडोवल सैंड हेरिटेज. तो ये हो गई इसकी पैकिंग की बात. और इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 2019 की, और इसकी एक्सपायरी 2020 की. तो एक डेढ़ साल चलने वाला है ये आपका प्रोडक्ट. और इसकी जो क्वांटिटी वो 30 ml प्रोडक्ट है. बाकी फाउंडेशंस के अकॉर्डिंग इसकी कम है क्वांटिटी, इतनी सी ये बॉटल में आता है, 30 ml है. लेकिन जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, 149 rupees में. और इससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करोगे. तो ये इस तरीके की ग्लास बॉटल में आता है, और इसका ये कैप है स्टील का. इसको आप रिमूव करोगे, ये एक प्लास्टिक कैप था इसके ऊपर, तो इसको रिमूव करा हमने अभी यूज़ करने के लिए. तो पैकेजिंग इसकी कोई बहुत ख़ास नहीं है, और ग्लास बॉटल है तो आपको इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा. और कोई पंप नहीं है और कुछ नहीं है. लेकिन वही है बात कि इतना अफोर्डेबल है तो सब कुछ तो मिलेगा नहीं इसमें. तो इसको आपको ऐसे ओपन करके और पोर करके तब लगाना होगा. और सबसे पहले तो इसके शेड की बात कर लेते हैं. ये जो शेड है शेड नंबर 8, ये सेकंड डार्केस्ट शेड है इस पूरी रेंज में. और इसमें मेरे ख्याल से 10-12 शेड्स हैं. और सेकंड डार्केस्ट शेड होने के बाद भी मेरे स्किन टोन के लिए बहुत ज़्यादा लाइट है. और एक वाइट कास्ट तो इसने क्रिएट नहीं किया है, ना ग्रे लग रहा है मेरा फेस, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लाइट है ये मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग. और इस शेड से डार्क बस एक और शेड आता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो भी हमें सूट करेगा. एंड आई एम नॉट द डार्केस्ट गर्ल आउट देयर. तो जिन गर्ल्स का और डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो क्या करेंगे, क्या वो NYB जैसे अफोर्डेबल ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकते? क्यों NYB ने ऐसा किया मेरे समझ में नहीं आता है. जबकि ये एक इंडियन ब्रांड है, तब NYB ने ऐसा किया है कि इनके डार्केस्ट शेड भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लाइट हैं. और लैक्मे भी हमेशा ऐसे ही करता है कि इंडियन ब्रांड होने के बाद भी ये सारे ब्रांड्स ही भूल जाते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हर चीज़ को लेके, कॉम्प्लेक्शन को भी लेके. बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस हैं, बहुत सारी स्किन टोन्स हैं. तो क्यों ये लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ फेयर और मीडियम स्किन टोन्स के लिए ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और बाकी स्किन टोन्स को ये बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं? तो ये NYB मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रांड है. अगर आपने मेरे और वीडियोस देखे होंगे आपको पता होगा कि ये ब्रांड हमें कितना पसंद है. इसकी लिपस्टिक्स, इसके कंसीलर्स, और इसका कॉम्पैक्ट भी अभी हमने यूज़ किया है, वो उसका भी रिव्यू आपको मिलेगा. लेकिन ये क्यों इन लोगों ने ऐसा किया है मेरे समझ के बाहर है. तो एनीवेज आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर ये लोग इस बात को ध्यान देंगे और कलर्स लॉन्च करेंगे, ताकि हम जैसे स्किन टोन्स वाले लोग भी इनके इन प्रोडक्ट्स को इन्जॉय कर सकें. तो अपार्ट फ्रॉम द शेड, इसमें ये जो है शेड, इसमें ये थोड़ी सी पिंक अंडर टोन है इसकी, और मेरी येलो अंडर टोन है, बट स्टिल ये मेरे फेस पे केकी या वाइट नहीं लग रहा है. और ब्लेंड बहुत अच्छे से हुआ है, ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हुआ है. और
बिल्कुल प्योर मैट है ये फाउंडेशन, एकदम प्योर मैट इफेक्ट इसने दिया है मेरे फेस को, और 3-4 घंटे हो चुके हैं अभी भी ये इंटैक्ट है और इसने स्वेटिंग नहीं होने दी है मेरे फेस पे। मैट रखा है इसने मेरे फेस को थ्रू आउट, बिल्कुल शाइनिंग ग्रीजी नहीं किया है इसने, तो ये हमें बहुत अच्छी बात लगी है। कवरेज इसका शेयर कवरेज है, और अगर आप इसको बिल्ड करो तो ये आपको थोड़ा और बेटर कवरेज देगा, बट शेयर ही रहेगा, मीडियम कवरेज भी नहीं कह सकते इसको। ये आपको देख सकते हैं ये मेरे स्पॉट्स विजिबल हैं, हालांकि हमने थोड़ी कलर करेक्टिंग भी की थी बट स्टिल मेरे स्पॉट्स विजिबल हैं। तो ये फुल कवरेज नहीं है, मीडियम कवरेज नहीं है, शेयर कवरेज का फाउंडेशन है, एकदम से फ्रेशन अप कर देता है ये आपके फेस को, और आपको ऐसा फील भी नहीं होता है कि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है। और जो डेली वेयर के लिए एक अच्छा फाउंडेशन चाहते हैं, बजट फ्रेंडली फाउंडेशन चाहते हैं, वो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल हैवी आपको फील नहीं होगा, केकी ग्रीजी फील नहीं होगा, ऑयली फील नहीं होगा, स्पेशली समर्स में ये फाउंडेशन बहुत अच्छा वर्क करेगा, प्योर मैट इफेक्ट देगा। स्वेटिंग को आई थिंक इसने मेरी कंट्रोल किया है कुछ हद तक, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें ये प्रोडक्ट। और जिनको ऑफिस वेयर के लिए, कॉलेज वेयर के लिए, डेली वेयर के लिए कोई फाउंडेशन चाहिए जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, मैट हो और बहुत हैवी ना हो, तो उनके लिए ये फाउंडेशन परफेक्ट है। और कवरेज भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको बिल्डअप ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत मेडअप किया है, और नेचुरल इफेक्ट देगा ये आपको, और स्टिल आपके फेस को ये ब्राइटन अप कर देगा, फ्रेश दिखाएगा आपके फेस को, और मैट भी रखेगा। तो ये सारे इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बस एक बात अच्छी नहीं है कि इसमें शेड रेंज में हम लोगों को चूज़ करने की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, स्पेशली जिनकी डार्क स्किन टोन है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई कुडंट फाइंड एनी कॉन इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप श्योर कवरेज का डेली वेयर फाउंडेशन चाहते हैं जो कि बहुत बजट फ्रेंडली भी हो और मैट हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो हम इसको डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं, अपने बाकी मेकअप वीडियोस में नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि इसकी कवरेज उतनी अच्छी नहीं है, बट अगर डेली वेयर में, पर्सनल लाइफ में हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। एंड आई होप एन बाई बे इसके और शेड्स भी, और डार्कर शेड्स भी लॉन्च करेगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।